गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में आपको बतलाए थे कि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो उसका डीयू कैसे निकालते हैं। डीयू का मतलब बताए थे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी यानी कि IHD, या उसी को हम लोग अनसेचुरेशन फैक्टर के नाम से जानते हैं या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है उस हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि उस मोलिकुलर फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उसका डीयू हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 में क्या कहता है कि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला में हाइड्रोजन के अलावे कोई मोनोवैलेंट आइटम आ जाए। जैसे अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, इफ द मोलिकुलर फार्मूला कंटेन्स एनी मोनोवैलेंट एटम अदर देन हाइड्रोजन, एग्जांपल में आ गया हैलोजन्स, कहता है देन दीज आर ट्रीटेड एज हाइड्रोजन फॉर कैलकुलेटिंग डीयू। फिर से हम आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला आपका दिया हुआ है और हाइड्रोजन के अलावे कोई मोनोवैलेंट एटम आ जाए लाइक हैलोजन्स, तब आपको क्या करना है, उस मोनोवैलेंट एटम को हाइड्रोजन के जैसा ट्रीट करना है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और हाइड्रोजन के अलावे कोई मोनोवैलेंट एटम आ जाए तो उस मोनोवैलेंट एटम को हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर करना है। ठीक है, हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर करना है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, अब यहां पे आपको कहा गया कि इसका डीयू निकालिए यानी कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में आपको पिछले क्लास में बताए थे, वो आप मोलिकुलर फॉर्मूला देख करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे आपको बताए थे, तो कंपेयर हम लोग करते हैं अल्केन से। जैसे अब इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, क्लोरीन को भी क्या करना है, हाइड्रोजन के ही जैसा ट्रीट करना है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें टोटल हाइड्रोजन कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 4 और +2। कहने का मतलब क्या हुआ कि C2H4Cl2 का अगर आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम आ गया, तो इस मोनोवैलेंट एटम को हाइड्रोजन के जैसा ट्रीट करना है, और जब हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर करेंगे तो 4 और 2 = 6 हाइड्रोजन हम लोग मान के चलेंगे कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला में 6 हाइड्रोजन है। अब देखिए 2 कार्बन का अल्किन फैमिली में अगर आप बात करें कि कितना हाइड्रोजन होगा, तो क्या बताए थे, अल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि उसको 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिए, तो यहां पे 2 × 2 = 4 और +2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हाइड्रोजन का डिफिशियंसी कितना हुआ, तो हम कहेंगे 0। अब इसी को फार्मूला के रूप में अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, डीयू इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या 6 हो गया माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या भी 6 हो गया अपॉन 2 करेंगे तो ये 0 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। फिर से आपको रूल हम रिपीट कर दे रहे हैं कि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ रहेगा और वहां पे हाइड्रोजन के अलावे कोई मोनोवैलेंट एटम है, तब कहता है कि उसको मोनोवैलेंट एटम को आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के जैसा ही कंसीडर करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और आप लोग बताइए कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा यानी कि डीयू क्या होगा। तो यहां पे देखिए तो क्या है, 1, 2, 3, 4 ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और आयोडीन है, ये सारे मोनोवैलेंट एटम है और सारे मतलब चारों जो है मोनोवैलेंट एटम है, तो चारों को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर करेंगे, और जब हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला मेरा बन जाएगा C2H4। अब इसमें बताइए, आप मोलिकुलर फॉर्मूला देख कर करके आप बता सकते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे, तो कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, तो यहां पर देखिए 2 × 2 = 4 और +2 हम लोग करते थे यानी कि 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, और पिछले क्लास में ही आपको बता दिए थे 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी का मतलब होता है 1 डीयू। ठीक है, तो यहां पे हम लोग
डायरेक्ट देख करके भी बता सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला और आपको बताए थे कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होता है x प्लस वन और माइनस y अपॉन टू, याद है सभी लोगों को। अब यहां पर x क्या होता था, कार्बन की संख्या को बताता था, तो 2 प्लस 1 हो गया, और माइनस y क्या होता था, हाइड्रोजन की संख्या को बताता था, तो 4 अपॉन 2, इसको जब करेंगे तो 3 और माइनस 2 यानी कि 1। तो ये फॉर्मूला से आप निकालिए, डायरेक्ट निकालिए, और प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखिएगा और तुरंत है सो आप DU निकाल देंगे। यहाँ पे सिखाना है, कॉपी में लिखना है, तो इसलिए आपको इस तरह से बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि DU क्या होगा, तो दो कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना होता है, 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 4 अपॉन 2, जब करेंगे तो 1 आएगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, तो क्या बोलिएगा बताइए सब लोग। तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 7 और 1 8, ये ब्रोमीन क्या हो गया, मोनोवेलेंट है, तो मोनोवेलेंट है तो इसको हाइड्रोजन के ही जैसा ट्रीट करना है, तो 4 दूना 8 कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो गया, 2 हाइड्रोजन का, क्यों, क्योंकि अल्केन, अल्केन जो फैमिली है CnH2n प्लस 2 होता है, और यहाँ पर 4 दूना 8 ही हो रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, तो आप कह सकते हैं कि DU1 होगा। अब इसी को फॉर्मूला के रूप में जब आप निकालेंगे तो फिर वही हो गया, DU इक्वल टू आपको क्या होता है, x प्लस 1 और माइनस y अपॉन 2। अब यहाँ पर कार्बन का संख्या कितना है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 1 और माइनस हाइड्रोजन का संख्या कितना है, तो 7 और प्लस 1, ब्रोमीन को भी हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर करना है, तो 8 हो गया, 8 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 4 जब करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जैसे आपको आसान लगता है वैसे कीजिए। तो यहां पर अगर मेरे को DU निकालना होगा तो C4H8 का हम लोग निकालेंगे और इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा, 4 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या हो गया कितना, 10, और माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या हो गया 8 अपॉन 2, करेंगे तो 1 आ गया। तो इसी को आप फॉर्मूला के रूप में आप कैसे लिखेंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन था उसी तरह से अगर हाइड्रोकार्बन न रह करके हाइड्रोजन के अलावे कोई दूसरा मोनोवेलेंट एटम आ जाए तब उसको फॉर्मूला के रूप में आप कैसे लिखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे CX प्लस HY और XB है, X क्या है, मोनोवेलेंट एटम है, लाइक हैलोजन, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा DU निकालने का, x प्लस 1 तो वही रहेगा और माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा y प्लस b, क्यों, क्योंकि आप इसको हाइड्रोजन के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया अपल माइ, इसको आप हाइड्रोजन के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो ये प्लस हो गया अपॉन 2। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि CX HY XB मतलब क्या हुआ, मोनोवेलेंट अगर कोई एटम है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 माइनस y प्लस b अपॉन 2। आप इस चाहे तो इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसको पहले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे थे, आप बिना कन्वर्ट किए निकाल सकते हैं। जैसे अब इसी में देखिए, बारी बारी से चेक कीजिए, आपको ये डायरेक्ट आ जाता तो आप कैसे निकालते हैं? तो x प्लस 1, कार्बन 2 है तो 2 प्लस 1, ठीक है, अब माइनस y कितना है, 4, तो यहाँ पे हो गया 4, अब प्लस b मतलब क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 2, तो प्लस 2 अपॉन 2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 3, अब 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3, तो ये 0 आ गया। आप इसमें चेक कीजिए कार्बन कितना है 2, तो 2 प्लस 1 हो गया, नहीं अब माइनस, ठीक है, और हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, हाइड्रोजन आपका एक भी नहीं है, ठीक है, तो y तो आपका हो गया 0, ठीक है, अब प्लस फिर क्या कह रहा है, b कितना है 4, और अपॉन 2 कर देंगे ऐसा। अब ये 2 प्लस 1 3 हो गया, और यहाँ पे 4 अपॉन 2 करेंगे 2 हो गया, 1 आ गया। तो आपको जैसे इच्छा करता है वैसे आप निकालिए, लेकिन निकालिए, आपको DU निकालने के लिए आना चाहिए।
यहां तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए, कह रहा है कि राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मोलिकुलर फॉर्मूला C2BrCFI। ठीक है, अब इस एक मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है और टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एक तरह से समझिए ये आइसोमेरिज्म आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। अब यहां पर आपको क्या कह रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डिग्री निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालेंगे, यानी कि डीयू जब हम लोग निकालेंगे तो डीयू क्या हो जाएगा। तो देखिए कार्बन कितना है, दो, तो दो कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या दो दो ना चार प्लस दो करेंगे तो सिक्स आ गया, माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या, तो इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है बट मोनोवैलेंट एटम है, और मोनोवैलेंट एटम को आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर करना है। तो यहां पर क्या हो गया कि माइनस फोर अपॉन टू जब करेंगे तो सिक्स माइनस फोर कीजिएगा टू अपॉन टू वन आ गया। अब ये आप जब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं और वन आता है तो इससे आपके दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन मिलता है आपको, मतलब डीयू निकाले तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि आपको समझ में आ गया कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला का जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ओपन चेन कंपाउंड लिखेंगे तो एक है सो पाई बॉन्ड होगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, डीयू जब हम लोग निकाले तो डीयू कितना आया, वन आया, और जब वन आया तो हम लोग को पता है कि ओपन चेन अगर कंपाउंड हम लिखते हैं तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा। अब एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड होगा और दूसरा रिंग होगा। बट अब यहां पे देखिए बात आ गया कि क्या दो कार्बन का आप रिंग में स्ट्रक्चर कोई लिख सकते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं कि रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन थ्री होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, थ्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला का जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो रिंग डीयू वन है, उसके बावजूद भी रिंग में कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन थ्री होना चाहिए और यहां पर है सो दो ही कार्बन है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड में लिखना है। अब दूसरी बात आई, यहां पे कैसे लिखेंगे तो ध्यान से समझिए, आपके पास दो कार्बन है, लिखने का तरीका आपको बताए थे, आपके पास दो कार्बन है, एक यू डी यू आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कार्बन के बीच में है सो डबल बॉन्ड होगा। आप ऐसा नहीं ना कह सकते कि सर कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हैलोजन जो है वो मोनोवैलेंट है, उसका कोवैलेंसी वन है, तो आप कोई भी हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं दे सकते। अब देखिए यहां पर चार हैलोजन ग्रुप है तो कहीं पर भी दो, किसी पर भी दो दे दिए, कार्बन टेट्रावैलेंसी फुलफिल करता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ब्रोमीन दे दिए, यहाँ पे फ्लोरीन दे दिए, यहाँ पर आयोडीन दे दिए और यहाँ पे है सो क्लोरीन दे दिए। अब इसका नाम अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग जब भी करना होगा तो एक नंबर इस कार्बन को देना होगा। नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़ चुके हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, यानी कि एक नंबर इसको देंगे, दो नंबर इसको देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, हाँ हो सकता है। अब देखिए अब यहां पे क्या है, दो ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड तो यहीं पे रह गया। दूसरा कोई बच्चा बोलेगा कि सर एक काम करते हैं, ब्रोमीन को ना इस कार्बन पे डाल देते हैं। भाई ब्रोमीन को जब आप इस कार्बन पे डाल दीजिएगा ना तो एक नंबर इसी को देना पड़ेगा, तो ब्रोमीन किसी भी कार्बन पे हो एक नंबर ब्रोमीन वाला ही कार्बन को देना पड़ेगा। तो ब्रोमीन को हम लोग जहां है वहीं छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक एलिमेंट को चेंज करते हैं। जैसे यहां पे फ्लोरीन था, अब हम क्या करते हैं आयोडीन को डाल देते हैं और इसके साथ फ्लोरीन और इस क्लोरीन डाल देते हैं। क्या और कोई स्ट्रक्चर्स हो सकता है, हाँ और स्ट्रक्चर्स हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, आयोडीन के जगह पे क्लोरीन को ले आएंगे, तो यहां पर क्लोरीन हो गया, यहां पे फ्लोरीन हो गया, यहां पर आयोडीन हो गया।
हम बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होगा, तो टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है सो 3 हो गया। और रिंग में तो पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि दो ही कार्बन है और रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब उसी को देखिए बारी बारी से कि पहले क्या करना है, दोनों कार्बन को लिख देना है। पाई बॉन्ड जब भी होगा तो कार्बन के ही बीच में होगा, तो डबल बॉन्ड यहां डाल दिए। फिर आपको क्या बोले कि किसी भी कार्बन पे ब्रोमीन रखिए एक नंबर, तो उसी को देना है। मान लेते हैं यहां पे ब्रोमीन दे दिए, यहां पे क्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन और यहां पे आयोडीन। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बताइए, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग ब्रोमीन वाले कार्बन से करेंगे, तो इसको एक नंबर देंगे, इसको दो नंबर देंगे। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 2 आयडो। और दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो इथीन। नाम बताइए क्या होगा? फिर से सभी लोग नाम बोलिए, क्या होगा? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 2 आयडो इथीन। दूसरा स्ट्रक्चर में क्या बताएं कि ब्रोमीन को जैसे वैसे छोड़ दीजिए और क्लोरीन को यहां से हटा करके फ्लोरो यहां पर देखिए। तो यहां पे फिर क्या हुआ कि दो कार्बन को हम लोग लिख दिए। अब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए, ब्रोमीन जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, और यहां पर क्लोरीन के जगह पे अब हम क्या किए, फ्लोरीन ले आए। तो क्लोरीन को इधर भेज दीजिए, आयोडीन जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब इसका नाम फिर बताइए, तो एक नंबर तो इसी कार्बन को मिलेगा, दो नंबर, इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो 2 आयडो इथीन। क्या नाम हो गया? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो 2 आयडो इथीन। ठीक उसी तरह से तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? तो तीसरा स्ट्रक्चर में फिर आपको क्या बताएं, देखिए यहां पर क्लोरीन आ गया, फिर इसमें फ्लोरीन भी आ गया। अब क्या करेंगे? आयोडीन को ले आएंगे। तो ब्रोमीन जैसे दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दी। ये स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना होगा और कैसे हम लोग लिखेंगे। अब यहां पर फिर क्या हुआ, ब्रोमीन जैसे वैसे छोड़ दिए, अब क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, बच गया कौन? आयोडीन। तो यहां पर आयोडीन को ले आए, इधर फिर आपका क्लोरीन हो गया और फ्लोरीन हो गया। नाम आपसे पूछा जाए तो एक नंबर तो इसी को देंगे, दो नंबर इसको देंगे, तो नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयडो इथीन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयडो इथीन। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ रहता है तो उसका टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कैसे लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अनसेचुरेशन फैक्टर निकाल लेते हैं या डीयू निकाल लेते हैं। यहां तक कंप्लीट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, राइट दी ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4Cl2 है। अब इसका देखिए टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम है सो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है या अनसेचुरेशन फैक्टर निकालना है। अब अनसेचुरेशन फैक्टर आप बताइए कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, तो 4 और 2 6, यानी कि 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, तो हम कहेंगे कि DU1 है। आप मोलिकुलर फॉर्मूला देख करके आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्मूला में बताएं और नहीं कुछ समझ में आता है तो आपको क्या बताएं कि मोनोवैलेंट जो कार्बन है उसको आप हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर कीजिए। अब यहां पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना? 8 होता है, तो यहां पे लिखेंगे 8 माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या, तो 4 तो हाइड्रोजन ही हो गया। और क्लोरीन को भी, दोनों क्लोरीन को हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर करना है, तो 4 और 2 6 हो गया, तो 8 माइनस 6/2 लिखेंगे। अब यहां पर कितना हो गया? 1 आ गया। अब 1 आ गया तो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आप ओपन चेन कंपाउंड लिखते हैं तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और नहीं तो आप रिंग में स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। यानी कि रिंग में भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहां पर 3 कार्बन है और रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 3। यहां पर तो 3 है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखते हैं।
अब देखिए फिर से आप सीखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। तो मेरे पास टोटल कार्बन कितना है, 3 है, तो टोटल कार्बन है सो इस तरह से 3 लिख देंगे। इतना पता चला गया, चल गया कि डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आप यहां पे देखिए, ध्यान से समझिए, डबल बॉन्ड आप यहां पे दीजिए या डबल बॉन्ड है सो यहां पे दीजिए, बात तो एक ही है ना। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड अगर आप यहां पे देते हैं तो एक नंबर इसको देंगे, और डबल बॉन्ड अगर इधर देते हैं तो एक नंबर इसको देंगे। क्यों? क्योंकि तीन ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड को ही हम लोग फिक्स्ड कर देंगे और इधर उधर जो भी करेंगे क्लोरीन को करेंगे। बात सबको समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए क्या करते हैं, पहला अगर स्ट्रक्चर लिखना होगा तो दोनों क्लोरीन को इसी कार्बन के साथ अटैच कर दिए, तो इस कार्बन का क्या हुआ, टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो गया। तो अब बच गया इसका, तो यहां पर एक हाइड्रोजन का जरूरत है, यहां पर 3 हाइड्रोजन का, एक स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। देख लीजिए क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हाँ, और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कैसे? अब देखिए यहां पर फिर हम आपको क्या बोले कि डबल बॉन्ड जो है उसको जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं, एक क्लोरीन को यहां लगा देते हैं, एक क्लोरीन को यहां लगाते हैं, कार्बन का कोवैलेंसी फुलफिल करने के लिए एक हाइड्रोजन यहां पे हो जाएगा और 3 हाइड्रोजन यहां पे हो जाएगा। देख लीजिए क्या और पॉसिबिलिटी है, आप सोचिए। तो हाँ, और पॉसिबिलिटी है, इस क्लोरीन को इस कार्बन पे कर देंगे तो तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा, फिर देखिए हम यहाँ पे क्या किए, डबल बॉन्ड जैसे है वैसे रहने दिए, एक क्लोरीन को इसी पे छोड़ दिए और दूसरा क्लोरीन को इस पर कर दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोवैलेंसी को, टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए एक एक हाइड्रोजन डाल दिए और यहाँ पर है सो आपका 2 हाइड्रोजन हो गया। क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? हाँ, और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या पॉसिबिलिटी है भाई? तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का एक क्लोरीन को अब इस पे डाल दीजिए और एक क्लोरीन को इस पे डाल दीजिए। तब क्या होगा, यहां पर देखिए ये डबल बॉन्ड जैसे है वैसे रह गया, एक क्लोरीन को हम इस पे डाल दिए, एक क्लोरीन को इस पे डाल दिए। क्या और पॉसिबल स्ट्रक्चर है? हाँ जी, और पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों क्लोरीन को इस पे डाल दीजिए, बाकी हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओपन चेन अगर कंपाउंड है, मेरे को तो ये पता चल गया कि एक डबल बॉन्ड होगा, लेकिन टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखना है तो किस तरह से लिखाता है, वे आपको स्किल डेवलप करना होगा। तो टोटल कितना स्ट्रक्चर हो गया, 5 स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को देखिए फिर से आप कॉपी पे अब नोट कर लीजिए, पहला काम क्या करना है, 3 कार्बन को लिख देना है और यहां पर क्या किए, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड यही पे है, अब फिर क्या बोले कि दोनों क्लोरीन को इसी कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए, बाकी यहां पे सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए, जहां पर जितना हाइड्रोजन का जरूरत है टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए फिल्ड कर दीजिए, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन होगा और यहां पर 3 हाइड्रोजन हो गया, टोटल हाइड्रोजन कितना था, 4। नाम अगर आपसे पूछा जाए कि नाम बताइए क्या होगा, तो हम लोग को प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को, तो एक नंबर है सो इसको देंगे तो 1, 2, 3। अब इसका नाम क्या होगा, तो 1-1 डाइक्लोरो और 3 कार्बन से प्रोपीन होगा, 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोपीन होगा, तो इसका नाम हो गया 1-1 डाइक्लोरो प्रोपीन। सेकेंड में देखिए फिर क्या बताए, आप 3 कार्बन लिख दिए, डबल बॉन्ड जहां है वहीं पे छोड़ दिए, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किए, क्लोरीन को इधर उधर कर रहे। अब हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन को इस कार्बन के साथ अटैच कर दिए और एक क्लोरीन को इस कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए, यहां पे सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, जहां पर जितना हाइड्रोजन का जरूरत है उतना हाइड्रोजन फुलफिल कर दीजिए, तो यहां पर है सो देखिए 3 पूरा हो गया, तो 1 हाइड्रोजन का जरूरत है, यहां पर 3 हाइड्रोजन का जरूरत है, एक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर दोनों जो क्लोरीन है इसी कार्बन पे नहीं दे सकते, नहीं आप दे सकते, नहीं दे सकते, तो फिर हम आपको क्या बताए थे कि इस क्लोरीन को अब यहां पे शिफ्ट कर दीजिए और इसको यहीं पे रहने दीजिए, या अच्छा इस, अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, एक नंबर तो इसी को देंगे तो 1, 2, 3। अब देखिए इसका नाम हो गया 1-2 डाइक्लोरो, 1-2 डाइक्लोरो प्रोपीन। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में फिर देखिए उसी तरह से 3 कार्बन को लिख दिए, यहां पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लोरीन को तो इसी कार्बन पे रहने दिए और दूसरा जो क्लोरीन है इस कार्बन के साथ अब अटैच कर देते हैं, ठीक है।
बाकी जहां पर जितना हाइड्रोजन का जरूरत है कोवेलेंसी फुलफिल कर दीजिए, तो यहां पर एक हाइड्रो, यहां पर सिंगल बॉन्ड पहले डाल दिए, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां पर है सो एक हाइड्रोजन होगा और यहां पे दो हाइड्रोजन होगा। क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा? हाँ, और पॉसिबल होगा। अब इस क्लोरीन को क्या करेंगे, इस कार्बन पे लगा, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम जो है, एक नंबर तो इसी को देना होगा, 1, 2, 3। अब इसका नाम हो जाएगा 1,3-dichloropropene, 1,3-dichloropropene। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर यहां पर 1-propene नहीं लिख सकते, आपको नोमेनक्लेचर में बता चुके हैं प्रोपीन जब है ना तो आप 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी सोचिए ना, आपको क्या बताए थे कि जहां पे इस तरह का कंफ्यूजन है, आपको कहा गया ना, हम आपको बोले कि अच्छा जी प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिख करके दिखाइए, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर आप लिखेंगे तो इसी तरह से ना लिखेंगे, CH3 इधर आपका हो गया, CH2 ये CH हो गया। बोलिए तो 1-propene का ये या प्रोपीन का ये बात एक ही है, तो यहां पर 1 देने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड यहां देंगे तो एक नंबर इधर से आएगा, तो यहां पे 1-propene लिखना कोई जरूरत नहीं है। फिर हम आइए चौथा में, हम लोग क्या कह रहे थे, चौथा में ये बोल रहे थे अब इस क्लोरीन को क्या करते हैं, इसके साथ और ये जैसे वैसे छोड़ देंगे। तो पहले 3 कार्बन को लिख दिए, डबल बॉन्ड है सो यहां पे दे दिए, डबल बॉन्ड जहां था वहीं पे छोड़ दिए, क्योंकि पहले ही आपको बता दिए कि डबल बॉन्ड का पोजिशन चेंज अगर आप करते हैं मतलब इधर कर देते हैं तो एक नंबर फिर उसी से आपको देना होगा। अब यहां पर देखिए इस क्लोरीन को उठा करके अब यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड डाल दिए, यहां पे क्लोरीन और एक क्लोरीन, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब हाइड्रोजन से टेट्रावेलेंसी फुलफिल कर दीजिए, तो यहां पर दो हाइड्रोजन, यहां पर कितना हो जाएगा, दो हाइड्रोजन। अब इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए, एक नंबर तो इसी को देंगे तो 1, 2, 3। अब इसका नाम क्या हो गया, 2,3-dichloropropene। फिर पांचवा स्ट्रक्चर में क्या बताया कि दोनों क्लोरीन को इस कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए, यानी कि पांचवा जो स्ट्रक्चर होगा 1, 2, 3। अब यहां पे डबल बॉन्ड दे दिए, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि दोनों क्लोरीन को तीसरा नंबर वाले कार्बन पे डालने जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया, एक क्लोरीन ये हुआ, एक क्लोरीन ये हुआ। अब हाइड्रोजन से कोवेलेंसी फुलफिल करेंगे, उसके पहले यहां पे सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए, तो यहां पर CH2 हो गया, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर है सो एक हाइड्रोजन। अब इसका नाम आपसे पूछा जाए तो एक नंबर तो इसी को देंगे, यानी कि 1, 2, 3। अब इसका नाम क्या हो गया, 3,3-dichloropropene। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओपन चेन कंपाउंड में जितना टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर था वो आपको लिखा दिया, यानी कि टोटल 5 है सो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, रिंग वाला में देखेंगे। तो रिंग वाला में आपको पहले से ही पता है कि रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3। तो यहां पर रिंग स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो ये तीनों कार्बन है सो रिंग, यानी कि एक DU तो कंप्लीट हो गया। रिंग के अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि DU तो आपका एक ही था और रिंग है सो एक DU कंज्यूम कर गया। अब मेरे पास दो क्लोरीन बचा है, तो दो क्लोरीन को आप क्या कीजिए, एक ही कार्बन के साथ आप अटैच कर सकते हैं। क्या और पॉसिबिलिटी है, पिछले क्लास में भी आपको बताया है इस तरह का कंपाउंड। अब आप क्या करेंगे, दोनों क्लोरीन को अलग अलग लिख देंगे, इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तब क्या होगा, तो 1,1-dichlorocyclopropene, एक नंबर इसी को देना होगा ना, तो 1,1-dichloro-cyclopropene। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा फिर क्या करेंगे, दोनों क्लोरीन को अलग अलग कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए। अब इसका नाम आपसे पूछा जाए, एक नंबर इसको दीजिए या इसको दीजिए, बात बराबर है, यानी कि 1,2-dichloro-cyclopropene। तो इस तरह से टोटल कितना स्ट्रक्चर हो गया, 5 है सो आपका ओपन चेन कंपाउंड में हो गया और 2 है सो रिंग में हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7Cl हैविंग ए बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग कहे, फिनाइल रिंग कहे, बात एक ही है। अब देखिए आपके लिए ना आसान हो गया, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं आसान हो गया, अब देखिए आपको सिर्फ कह रहा है कि बेंजीन रिंग में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए।
यानी कि ओपन चेन कंपाउंड में नहीं लिखना है, साइक्लिक कंपाउंड में भी नहीं लिखना है। साइक्लिक मतलब समझ में आ रही बात। अब जैसे देखिए, अब यहां पे सबसे पहला काम, अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाले तो क्या होगा, आप लोग देख करके बताइए। तो सात कार्बन है, तो सात कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाता है, सात दो न चौदह और दो सोलह, और माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या, तो सात हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, आठ। समझ में आ गया बात, क्योंकि क्लोरीन को भी हाइड्रोजन के ही जैसा ट्रीट करना है, मोनोवेलेंट आइटम है, अभी रूल आपको बताए। तो 16 माइनस 8 बटा 2 करेंगे तो कितना गया 4, तो यहां पे लिख दीजिए 16 माइनस 8 अपॉन 2 यानी कि 4। आपको ये पता है कि बेंजीन जो है कितना अनसेचुरेशन फैक्टर कंज्यूम करता है, तो 4। जैसे ये रिंग बना दिए, अब आपसे पूछेंगे कि अच्छा जी बताइए ये स्ट्रक्चर देख करके बताइए, या साइक्लोहेक्सेन में कितना डीयू होता है, तो 1, अब कितना होगा तो 2, अब कितना होगा तो 3, अब कितना होगा तो 4, यानी कि एक पाई बॉन्ड एक डीयू कंज्यूम करता है और एक रिंग एक डीयू कंज्यूम करता है, तो यहां पर 3 पाई बॉन्ड हो गया और प्लस एक रिंग हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि डीयू टोटल है सो 4 हो गया। स्ट्रक्चर देख करके आपको डीयू निकालने के लिए बताए थे, बहुत सारा एग्जांपल आपको बताया गया था। अब स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है ना, C7H7Cl, इसमें क्या कीजिए C6H5 आप घटा दीजिए, तो C6H5 बोलिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो बेंजीन रिंग से ध्यान से समझिए, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन जब तक आप हटाएंगे नहीं तो कोई सब्स्टिट्यूएंट आप कहां से लगाएंगे, तो यहां से क्या किए, हर एक कार्बन बेंजीन है तो हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, वहां से आप क्या कीजिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूएंट जाएगा, तो इसीलिए C6H5 यहां से घटा दे। अब यहां से जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, CH2Cl, हाइड्रोजन सात है उसमें से 5 गया तो 2, और क्लोरीन जैसे वैसे 7 कार्बन में से 6 कार्बन चला गया तो बच गया 1, यानी कि CH2Cl। जब इस तरह से आप करेंगे ना तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लगेगा कि अच्छा बेंजीन का जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए और वहां पर CH2Cl लिख दीजिए। अब इसका नाम आपसे पूछा जाए तो ये देखिए क्या है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच क्लोरीन नहीं है, अगर डायरेक्टली अटैच होता तो क्लोरोबेंजीन, लेकिन डायरेक्टली अटैच तो है नहीं, तो इसको क्या नाम बताया थे नोमेनक्लेचर में, बेंजाइल, तो इसको पढ़ेंगे बेंजाइल क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे बेंजाइल क्लोराइड। अब सवाल है कि क्या और पॉसिबिलिटी है, हाँ और पॉसिबिलिटी है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसको अब दो पार्ट में बांट दीजिए, पिछले क्लास में भी एक एग्जांपल हम आपको करवाए थे, अब इसको जब दो पार्ट में बांटिएगा इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए, दो पार्ट में बांटिएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन से आपको दो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन जो हटेगा वो कहां जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि अब आपके पास आ जाएगा CH3 और Cl, तो किसी भी एक कार्बन पे अब हम लोग क्या करेंगे CH3 डल लगा देंगे और दूसरे कार्बन पे Cl। अब इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है तो क्या नाम बताएंगे बोलिए, तो यहां पे अल्फाबेट का दो तरह से बेंजीन में आपको दो तरह से हम आपको नोमेनक्लेचर करने के लिए बताए थे, और वहां पे बताए थे कि कुछ नाम ऐसे हैं जो कॉमन सिस्टम का ही ज्यादा पॉपुलर है, याद आया कुछ, जैसे अगर हम क्लोरीन को यहां से ढक दें और आपसे पूछें कि इसका नाम क्या है, तो टॉलविन, और ये किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉलविन, और दूसरा नाम क्या होगा, नाम अगर एक नंबर देना होगा तो इस कार्बन को देंगे और दो नंबर देंगे तो मिथाइल को देंगे, 2-क्लोरो-टॉलविन, आप इसको 2-क्लोरो-टॉलविन भी कह सकते हैं, बात समझ में आया, तो इसका नाम हो गया 2-क्लोरो-टॉलविन या ऑर्थो भी आप दे सकते हैं, और दूसरा नाम आपको क्या बताएं, दूसरा नाम आपको बताएं कि 1-क्लोरो-2-मिथाइल-बेंजीन, 1-क्लोरो-2-मिथाइल-बेंजीन, तो आप ऐसे नाम लिखते हैं तब भी सही है, टॉलविन के टर्म में लिखते हैं तब भी सही है, यहां पे दो के जगह पे आप ऑर्थो लिखते हैं तब भी सही है। अब सवाल है कि क्या और स्ट्रक्चर होगा, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप ऑर्थो पे लिखे तो मेटा पर भी लिख सकते हैं, पारा पर भी लिख सकते हैं,
यानी कि तीसरा जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो आपका हो जाएगा इस तरह से, पहले हम लोग क्या किए बेंजीन को लिख दिए, अब मिथाइल यहीं पे रहने दिए और क्लोरीन को मेटा पोजीशन पे कर दिए। अभी आपको बताए थे कि इसका नाम होता है टॉलवेन और किस पोजीशन पे है, तो 1, 2, 3, तो 3 क्लोरो टॉलवेन लिख सकते हैं या मेटा क्लोरो टॉलवेन लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 क्लोरो टॉलवेन या मेटा क्लोरो टॉलवेन, या दूसरा नाम क्या होगा, तो एक नंबर फिर क्लोरीन को देंगे। क्यों? क्योंकि मिथाइल और क्लोरीन में सी से क्लोरीन स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सुपीरियर है, तो एक नंबर इसको देंगे 2 और 3, तो हम कहेंगे कि 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। क्या और स्ट्रक्चर होगा, तो हाँ और स्ट्रक्चर होगा, ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे पारा का लिखेंगे। तो यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पे पारा पोजीशन पे क्लोरीन दे दिए। अब इसका नाम तो फिर देखिए, ये टॉलविन है, किस पोजीशन पे है, तो पारा पोजीशन पे है, तो पारा क्लोरो टॉलविन लिखिए या 4 क्लोरो टॉलविन लिख दीजिए, या इसी को हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। आपको बताए थे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर बेंजीन है तो अल्काइल ग्रुप का नाम के साथ आप क्या करो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के नाम के साथ बेंजीन अटैच कर दीजिए। तो आज रूल नंबर 2 में हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग ये सीखे कि हाइड्रोकार्बन के अलावे कोई दूसरा मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन के जगह पे कोई मोनोवैलेंट एटम है, तो उस मोनोवैलेंट एटम को किसके जैसा मतलब कंसीडर करना है, हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर करना है, और उसके बाद है 100 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं। रूल नंबर 3 है, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।